जननी जने अम्बिका जय जन करियो काज दीन बंधन दीन पीत रखि दंगल में रखि दंगल में राज भरोसो तेरो भारी नथ जन भर रहो ध्यान अरे सुदिन दौरा जन भारी माता सोयरों सुन सुखी सोयरों पवन कुमार बलब जर जागी दियो सोहरो कलेश विचार गुर दाता हम मंगता गुर सागर हम तीज जहाँ गुरन के चरण हो सो तहाँ नवाब आपन गुर बिन मिलन ज्ञान राज बिन मिलन करय तप बिन मिलन राज बहाँ बल हटेन दुखम गुर गोबिंद दोनों खड़े लगो कौन के पौए बलिहारी उन गुरन को सुगोबिंद दहे राम नाम के आलसी भोजन के होशियार तुलसी ऐसे जीव को तो बार बार धिक्कार तुलसी गुरु न मानिए जोग मार कही जाए मामा से पूर्ण रवदास भलो गुरु कही जाए समय समय की बात समय पर खेंगे ज्ञानी समय परेरी धूप समय बरसेंगे पानी दादा समय परे के रंग कबहू बेटी बाप के तो कबहू पिया के संग समय बरी बलवान समय मन मात मनाई का सोवे बोरी मात द्वार तेरे बयत बराई बेजा ज्ञान सभा जुर आई कछ लोग न की खबर कहो चल दूसरे सोमर में कठिन लड़ाई कंठ सो सती सुमिर शहर तुय कंठ लगाऊ कर गुर को पर नाम शीस पंच न पुनवाऊ जो गुर अज्ञा देव चलो नल राजा की ओखा तुम्हें सुना ओम नाम परमात्मा मेरे सुमिर लये जगदीश अपने गुरु दाज के झुके चरण निभाव संन्यास मुरु आरती सुन दीपक महाराज आज अखारो प्रेम को सो जलियो सारी रात भरोसो तेरो भारी जवन सिदन दर रहे ध्यान अरे सुदिन मेरे कृष्ण मुरारी कलकत्ते की कालिका त्रिलम्बे लम्बे केस निसदन तोय मना पते सो ब्रह्मा बिसोड़ा अरे जग में गागा राम
कुमारी तब सबक छुपायो जगर देव पम्बा हाथे को मेरी याद शारदा बनी जन्म धरनी में पायो मेरे तीन लोग की मार आए फिर माँ तीन से काटे सज सते रोगायो और जंगल के दरमिया हुकम पंचम को आयो Yeah.
नरवर के राज्यों में क्या हो रहा है, क्या होने को जा रहा है? अच्छा हो रहा, अच्छा होने को जा रहा है। आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई भी बात मालूम हो तो आप बता सकती है। हेवन, हम कई एक दिन आपसे देखती है। क्या सो जाए तो ऐसे, जाग जाए तो ऐसे, हमें रात दिन एक हो रहा है। ऐसी क्या बात है, दिन और रात आपको एक ही बराबर हो रहा है। हेवन, जिन बहनों से हम बात करना चाहें, कुछ बहनें ऐसी बात कहती हैं, हम ना जवाब हो जाती है। ना जवाब वाली बात तो ये, रानी साहब, रानी हो या बानी हो, राजा हो या प्रजा हो, कहने वाली बात कही जाती है। आपके पास रहती हूँ, आपके पास नौकरी करती हूँ, तीन तीन दिन हो जाते मेरे बच्चों को खाना पीना खाने के लिए नहीं मिलता है। आपके राज में मुझे दुख पैदा होता है। हेरन, तुम्हारे दुख को वो पता दूर करेंगे जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जन्म देने से पहले ही चुनाव भेज दिया है। हेरन, कोई सकी हुकूमत कर सकें तो आप जाएं, राजा को दरबार में देखे आए हो तो कहें कि रानी देवंती ने याद किया है, समय थोड़ा है। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं चली जाऊंगा, आपके पति महाराज को आपके पास लेके आ जाऊंगा। आप जाएं, राजा से कहें कि रानी ने याद किया है। आप बैठिए, हाल है, मैं जाती हूँ। हेलो करेंगे। नमस्कार, नमस्कार, कहिए कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं सरकार से मिलना चाहती हूँ। सरकार तो कचहरी में है नहीं, कहाँ गए? तो लेकर के लोटे में चट्टी करने के लिए। आप ये कह देना, अरे महलों से बांधी आई है और कच्छ भर का समाचार लाई है।
का समाचार तो लाइए पर ये मतलब भूख की प्यास तो नहीं आई है। अगर मैं भूख की प्यास आऊंगा तो आप क्या खिला दोगे? मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुझे भूख लगी हो तो घुटी पर दो लड्डू खिला दूंगा। मुझे आपके लड्डू नहीं खाने, कहीं भी जाते हो खाना खा के जाती हूँ। यहीं पर खड़ी रहना, मैं सरकार को भी पूछ के आता हूँ। जाइए महाराज के लिए। नमस्कार। नमस्कार, बताइए समय नरवर के दरबार के क्या समाचार है? समाचार सब कुछ ठीक है। तुम्हारी रानी के महलों से बांधी आई हुई है। बांधी आई है और क्या? उसको मेरे सामने लेके आओ यहीं पर। और क्या? अभी लो चलिए, बांधी आप बंद कर रहे हैं, चलिए आओ। ये खड़ी आप सरकार के लिए बांधी का। नमस्कार। नमस्कार भाई, महलों से क्यों आना हुआ? सुनिए, मैं आपके पास क्यों आई हूँ बताइए। अच्छा, आपको बुलाया है? उसका कोई उपचार नहीं कराया? मैंने सब कुछ कराया। मंत्री कहिए, रानी दुलहनी के पेट में दर्द होता है तो मैं रानी के महलों के लिए जा रहा हूँ। जाइए, चलिए, चलो आया। Thank you.
जा चल दे तू महलों में ऐसी क्या पड़ी तबाही और कुछ ऐसे मेरा जालन भाग कर रानी साहब ले सैली का नमस्कार हो। नमस्कार। आ रहे आपके पति महाराज। अंदर ला। आपको अंदर बुला रहा है। चलिए। आ जाओ। राजा साहब का राशि का दंडवत स्वीकार हो। स्वीकार। बिराजी। आप जा रहे हैं? मैं तो जाती हूँ अपने बच्चों को देखने। हरे। नहीं औलाद के और भाई दासी ने कहा रानी दुबेदी के पेट में दर्द होता है। मैं सुनकर के असमंजस में पड़ गया। फिर अपनी परेशानी क्या बतलाए, शिकार खेलने गया, धूप से परेशान था, एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया, झटका लगा, घोड़ा जलदरियाई हाथों से छूट कर भाग गया। दरबार में आया न कोई बात सुनता है। नाम है तुम्हें बता। अरे राया तुमने ना है जो हमारे कोष खजानी थे वो किधर गए और उनका क्या हुआ? हमारी जान के सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं। जो हमारे कोष खजानी थे वो किधर गए और उनका क्या हुआ? अरे बन खेल न गए शिकार, खजाना धरनी में समय आयो रे। बन
दिखायो रे। आफत मुसीबत में धैर्य से काम लेते हैं, जन्म लिए के दंड है भोगता तो है सब कोई, ज्ञानी काटे ज्ञान से सुमूरख काटे। ये प्रारब्ध का खेल है, हमारे भाई के दरबार को जाओ, वहां से आटा दाल लेकर जाओ, खाना बनाओ, तुम खाओ और हम खाएंगे। हे पति, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कौन से भाई है जिनों का नाम ले रहे हैं? क्या माँ मंजा के दूसरे लाल हैं? हमने आंखों से देखे नहीं है। नहीं तो एक हमारा चचेरा भाई पुष्कर सुल्तान। वही तुम्हारे भाई तो नहीं है? हमने आंखों से नहीं देखा है, कानों से सुना है। किसी दिन सार पास से खेलते समय बामनगढ़ के राज को बाजू में हार दिया है, जिन लोगों ने शहर को जीत लिया। भाई तुम्हारे भाई तो नहीं है? भाई तो वही है। हम शत्रु का नियम संयम है, रण क्षेत्र में लड़ते हैं, बाहर एक दूसरे की मदद करते हैं। भाई के दरबार को जाओ, तुम्हारा मान होगा अपमान नहीं। भाई का भरोसा है? भाई का भरोसा है, घबराती कहो रहमन विपता हूँ भली, जो थोड़ा दिन होए हित अनहित के जगत में सुजान परत सब। अपने पराये की पहचान हो जाती है, दरबार में जाओ तुम्हारा मान होगा अपमान। बिराजिए जाइए। आए ले हरे हो ना को नाम नारी घर अपने ते उता जाए रही रे। Thank you.
का। तो महती सुनती, तुमने कभी महलों से निकल के बाहर नहीं देखा, आज क्या कारण है जो तुम्हारा हमारे दरबार में आना हुआ? एक पावर भी मांगती हूं। किसने भेजा? दादा जी किसने भेजा? आपके भैया ने भेजा है। 3 रोज हुए अन्न पानी पैदा नहीं हुआ है। आज मेरा भाई मेरे पास आता तो उससे मैं 2 बात करता। आप हमारे छोटे भाई की बहू हो, आप जो बधु भगनी सुतनारी रे सटिए कन्या समचारी। वंश का खेलने को गए थे, हाथों से बाज उड़ान ले चुका है। 3 रोज हुए अन्न पानी पैदा नहीं हुआ है। 1 शेर आटा दाल और हार रह रहे आपके भाईजान ने भेजा है। 3 दिन 4-3 महीने हो जाए। हमारे यहां से आपको एक छड़ा भी नहीं मिल सकता है। अरे जिया तारा होंगी प्यार हो बदल हो जे था प्यार हो तू ना था इधर प्रकाश हो। एक दिन ऐसा हो पास में पैसा है। एक दिन ऐसा हो सोबे को तोसक तकिया मिले। एक दिन ऐसा हो सोबे को झांसा है। एक दिन ऐसा हो सर्जन से मिलाप हो। एक दिन ऐसा हो भाई कहे तू कैसा है। अरे क्या कब चंद सुना भाई प्रतिनाथ। आज दिन ऐसा न जाने कल दिन कैसा है। अरे भोता के तुमने देखो वो मोह चलायो और अब गीता आओ जो हमारो ही आयो। ये दादाजी हम गाय वाली बातों में नहीं पूछने चाहती हैं। हम एक से आटा दाल उधार लेना चाहती हैं। जीवत रहे तो आपका बगड़ा देना चाहती हैं। फौरन दरबार से बाहर निकल जाओ। दादा अब ही मान ले अरे नहीं पावे दे दे मांगे
रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। भाई ने पहले कभी ये नहीं सोचा कि नरवर के कोने पर कोई दूसरा भाई रहता है। क्या समझी? आप बैठ जाइए, आपके बारे में मैं कुछ विचार बनाऊंगा। ए रानी साहब, कहिए, इधर आओ निकल के बाहर। पतिदेव नमस्कार। खुश रहो। क्या बोला? बैठ जाओ। मैंने आपको इसलिए बुलाया है। किस लिए? कि जो मेरा छोटा भाई राजा नल, हाँ, उसकी धर्मपत्नी रानी दुहेती हमारे दरबार में आई हुई है। आपका भाई छोटा राजा नल, हाँ, उसकी धर्मपत्नी तुम्हारे दरबार के अंदर आई है? और क्या, क्यों आई है? एक शेर आटा दाल उधार भरने के लिए। एक शेर आटा दाल उधार मांगना चाहती है? भाई जब गर्दिश का समय आता है, हाँ, तो अपना अपने के पास जाता है। क्या नहीं? और फिर जो भी कुछ उनके पास माल था वो मैंने सारा जुए में जीत लिया। अच्छा, अब तो ठंठन पार रह गया, अब उनके पास कुछ बचा नहीं। हाँ हाँ। और भाई की मदद भाई करता चला है। दरबार में आई हुई है तो उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो अच्छी है। तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर किसी की मदद की जाए तो जिंदगी भरी की जाए, 2-4 साल की जाए, तो मैं तो ये कहती हूँ उनकी 10-5 साल की मदद करो। 10-5 साल की? और क्या, घर तुम्हारी आत्माओं में इतनी गुंजाइश है? ये मेरी आत्मा वाली बात नहीं है, ये तो आपकी आत्मा वाली बात है। और तुम्हारी इच्छा क्या कहती? मेरी तो इच्छा ये कहती है, आज से और अब तक महलों के अंदर चली तुम्हारी, अब चलेगी हमारी। और हम क्या करेंगे? तुम्हारा काम सो तुम करो, मेरा काम सो मैं करेंगी। समझाइए, खड़े होकर समझाओ। उस रानी तरवंती के पास मैं जाऊंगी, हाँ, उसको आचा दाल दे या न दे इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ तो ठीक है, आपकी इच्छा हो तो दे देना, नहीं चाहो उससे मना कर देना, हमारा तो उसे पीछा छूट जाएगा। ठीक है, और गलत भी बात नहीं करनी। ठीक है, आप जाओ, आपके लिए केतली में चाय बना के रखे आएंगे। मैं गर्म चाय कम पीता हूँ। अच्छा, हाँ जाइए, जल्दी आना लौट के वापस। बहन जी को नमस्कार। नमस्कार। नाराज़ है बहन? आपको कैसे महसूस होता रानी दमयंती? में नाराज हूँ। हमें बहन को सलामी दी और बहन की सांसें लंबी आन थी। सलामी? किसे कहते सलामी? और फिर वो किसी ने कहा जिस जगह वो चमत्कार, और फिर वो कहा समझे तेरी। नमस्कार। चलो ठीक है, दादाजी नाराज है, आपके देवर जी को 3 रोज हुए अनुपानी पैदानी हुआ है। हे बहन, हाँ, हो सके हम पावर भीख मांगने को आई हैं, हो सके तो हमें पावर भीख मिल जाए। भीख मांगने का कब से धंधा शुरू कर दिया रानी दमयंती? जब से प्रभु ने तकदीर में लिख दिया। जब से प्रभु ने लिख दिया कि तुम भीख मांगो। उस बदतमीज के लिखने वाले की बहुत बड़ी गलती है, आपको ये नहीं बताया कि कैसे भीख मांगी जाती है। ऐसे नहीं, आपका धर्म का पड़ा हुआ ये पर्दा, इसको पहले ऐसे करो, दोनों हाथों में इसको ऐसे पकड़ो, जितने हमारी कचहरी कर रही ये सभी लोग बैठे, इनसे ये कहो 1-1 रुपया मेरी झोली में डालो तो ये तेरी झोली भर जाएगी। आकर के लाठी से मार दी कि बहन मेरे पास हराम का नहीं आता है। अरे बहना तो
टपक दिखाई ओ तो तेरी अम्मा के खेच के खरी लाई ओ तो रोए रोए के नको रोइये ते खाई तेरी कांगाई बारे ना खपक जा देना क्या दिला तेरी कांगाई बारे ना खपक जा देना लागो ना तेरी नमादी की यावाई बारा तेरे काना दा की सुनाई बरा तो को ने का शर्म नहीं आई मैंने आती गाना तेरी बारे पे लागो ना गापी आवामा की गिजवाई ओ नदी की तेने जगरे सुनाई तू तो पेट वालो हो पेट की यहाँ पर तेरा कोई मर गया रोना चिल्लाना मचा दिया अच्छे भले माँ करके आज से पहले कभी तू मेरे पास नहीं आई आज इतने अच्छे भले में यहाँ पर रोना चिल्लाना मचाती है सौम्य रानी दमयंती जाती हो जाती है तुम मेरे पास आई है तो खाली मत हो जा भीख में तू क्या खाएगी क्या लेके जाएगी हे बहन हाँ क्या दोगी क्या दोगी सुन खाने के लिए तू क्या खाएगी और अपने पति को क्या खिलाएगी बोली खाना खाए तो गौ का मांस खाए पानी पिए तो गौ का रक्त पिए मैंने सुन लिया ना रानी दमयंती अभी नरवर के अंदर जिंदा है और रहते हैं तो तेरी खैर के नहीं तुझसे मुझे वतवन नहीं मुझे तुझसे वतवन नहीं कभी तू मेरे पास मत आना न मैं तेरे कभी पास आऊंगी तेरे मर जाने से मेरा खानदान खाली नहीं हो जाएगा निकल और यहां से भाग कभी मेरे पास मत आना अरे जैसी अम्मा हमारी तू है तैसी बात कर रही है ओठ बिदोती आ रही है और बात कत्ती आ रही है तिरमे की तू लुगाई है एवन हम नाम किसी का नहीं लेती हैं हम अपने दिल की लोड़ को कहती हैं आपने धक्का मार के निकाल दिया है तो हम अपने घर जाती हैं ओ जबदार के
बात कर रे मर गई बात कर अरे ओ चादर खोल के पेट ओत खावे तेरे रहो मेरे ना रहो नमस्कार भाई के दरबार को गई थी वहाँ पर कुछ खाने पीने का साधन हुआ या नहीं क्यों नहीं क्या मिला आपके भाई भौजा ने भाई भौजा ने जो कर दिया है हमने रास्ते में पा लिया है आपके लिए नहीं भाई ने दिया रास्ते में पा लिया चलो कोई परेशानी नहीं तुम्हारा मान हुआ अपमान नहीं कहा करो के तजाओ पिया पेरे समय आयो नए मानी भरता रयाज पते पर घर हमें पठायो पर घर की सुने बात बिरा न त्यारो ऋषि आयो चरी भाव जो इन्हें बनी तो गस हमें लगायो भोजन के बदले मांस आए गौन को तुम्हें बतायो पानी के बदले खून पिया पीवे को तुम्हें बतायो सीमा बंद करी नरवरत परदेश न भिजवायो तुम जीवत भरता व्याज जन धक्का हमें लगायो भाई ने धक्का मार करके बाहर किया आपके भाई भौजाई ने मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा है अन्न खा तो गऊओं के मांस खाए पानी पिए तो गऊओं के रक्त नरवर के राज्यों को छोड़ के निकल जाए सुबह सूरत न दिखाए सिंधु सतात हते हमरे सुत सूरज चंद्र समुद्र दोई लंबा लंबा दुर्ग है हाथी मदसास से हमरे वार्थ के निज स्वार्थ में सुख संपत्ति में सबको सब कोई तुच्छ तुसारे तो परिवार भवन सहाय कृपा ने हे प्राणेश्वरी इस समय आगे आपका वक्त है प्रजा सो रही है चलो इसी समय इस नरवर से निकल कर चलेंगे गर्दन में चलोगी कोई रोएगा कोई हंसेगा कोई तालियां बजाएगा चलिए चलिए इसी समय इस नरवर को छोड़ करके चल रहे चलिए हे ईश्वर ये क्या है चलिए इस नरवर को छोड़ करके इसी समय चल रहे हैं चलिए हे ईश्वर ये क्या हुआ
हाय मेरे भगवान, एकदम सर पर यान कर संकट निर्भर का रहना मेरा छूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। मेरा सुख के नबी जीवन भी मेरा छीन लिया, पापी भगवान ने नरवर का बना थे मेरा बिगड़ गया।